करता हूं कि आपने ज्यादातर इनको शॉर्टकट से किया होगा। शॉर्टकट से आते जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जब वैल्यूज चेंज होती हैं तो वो शॉर्टकट से बनते नहीं है। इसलिए मैं आपको वेन डायग्राम का कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहले आप सभी मेरे साथ में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन सभी ने देखे होंगे, ठीक है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में क्या होते हैं? पास होते हैं, ठीक है। यदि 73% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। सभी ने देखे हैं क्वेश्चन, बताओ, इस तरह के क्वेश्चन सभी ने देखे होंगे। अमूमन आपको यहां पर जो जानकारी मिली जाएगी, मैं आपको तीन वाले भी करा दूंगा, ठीक है, लेकिन अमूमन आपको दो तरह से दिया जाएगा। दो तरह से मतलब क्या है, आपको देखो यहां पर अंग्रेजी और गणित दो तरह के विषयों के बारे में बोला है ना, चाय कॉफी अंग्रेजी गणित, ऐसे दो 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 कॉन्सेप्ट में दिया जाएगा, यानी दो सर्कल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है, आपने इस तरह से बना दिया। आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर कौन कौन है, अंग्रेजी वाले हैं तो इंग्लिश लिख दीजिए और गणित वाले हैं इसलिए मैथ्स लिख दीजिए। एक सर्कल जो है आपको बता रहा है यहां अंग्रेजी वाले के, एक सर्कल ये जो ब्लू वाला है मानकर चलिए ये बता रहा है इंग्लिश वाले के लिए, और ये जो है व्हाइट वाला ये बता रहा है किसको, गणित वाले के लिए, ठीक है। अब जैसी जानकारी है वैसा ध्यान से सुनिएगा, इसको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश मत करो आप, है ना, यहां पर ध्यान से सुनो, सारी बातों को देख लो एक बार, ठीक है, फिर हम स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, देखो ये जो परसेंटेज लिखी होती है देखना ध्यान से, 80% छात्र अंग्रेजी में, अगर इस लाइन की जगह 80% छात्र केवल अंग्रेजी में, यानी इस अंग्रेजी के आगे जो भी चाय कॉफी अंग्रेजी गणित जो भी लिखा है, अगर इसके आगे केवल या सिर्फ ऐसे शब्द आ जाए तो ये अलग तरह से हल होता है, ठीक है, और अगर इसके आगे केवल या सिर्फ शब्द नहीं लिखे हैं तो ये अलग तरह से हल होगा। जब 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं यानी केवल शब्द नहीं लिखा है, तो आप इस 80% को सर्कल के बाहर लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर इसके केवल अंग्रेजी लिखा होता तो ये 80% इस अंग्रेजी वाले सर्कल के अंदर आता, ठीक है। अगला है 85% गणित में पास हुए, क्योंकि ये जो गणित है 85% गणित में, यहां भी हमें जो है केवल शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस 85% को इस सर्कल के बाहर ही लिखकर जो है लिखेंगे इसको, ठीक है। अब आप देखें यदि 73% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं, 73% दोनों विषयों में, दोनों विषयों के लिए जगह कहां होगी, ये बीच वाली जगह ही दोनों विषयों की होगी या नहीं होगी, बताइए मुझे जरा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस तरह से मन में, ये मन में बनेगा बॉक्स, अभी सीखने के लिए हम बना देते हैं, इस तरह से इसको एक बॉक्स से पैक कर दोगे। अब देखो 80 में से 73 जाता है तो यहां 7% बचेगा, यानी ऐसा आप घटाओगे 80 में से 73, क्यों, क्योंकि 73 ये दोनों वालों का है, 73 ये दोनों वालों के लिए है, 80 में से 73 यानी कॉमन वाला हटाओगे तो 7% आ जाएगा केवल वाला, मतलब अब ये 7% क्या है, 7% है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी इस क्वेश्चन में अगर ये प्रश्न होता कि केवल अंग्रेजी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है तो आप उत्तर लगाते 7%, ठीक है। ऐसे ही 85 में से जब 73 जाएगा तो यहां कितना आएगा, 12%, और ये 12% किसको बताएगा, केवल गणित पढ़ने गणित में पास होने वाले छात्रों की संख्या। अगर प्रश्न होता कि गणित में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है तो आप 12% बताते। अब जितने भी छात्र होते हैं, जितने भी छात्र होते हैं वो चार जगह पर फिट होते हैं, 1, 2, 3 और 4 जगह बनेगी यहां, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप देखें 73 और 12 हुआ कितना, 85%, और 85 और 7 हमारा कितना होगा, 92%, यानी कि टोटल तो संख्या हमेशा 100% होती है, अभी इन तीन जगहों को जब आपने जोड़ा 1, 2, 3 तो 92% आया है, यानी कि 8% की संख्या पहुंचेगी यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि आप इसको पढ़ते कैसे हैं, आप इसको पढ़ते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा आप इसको पढ़ते कैसे, ये 7% पढ़ा जाएगा कैसा, केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या,
73% मतलब पास फेल वाला चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो हम पास फेल के हिसाब से बात करते हैं। ये 7% है केवल अंग्रेजी में पास होने वाले, ये 73% है अंग्रेजी और मैथ्स दोनों में पास होने वाले, ये 12% है केवल गणित में पास होने वाले यानी मैथ्स में पास होने वाले। तो फिर सर ये 8% जो अलग से लिखा है ये क्या है? क्योंकि ये पास 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 चल रहा है इसलिए ये होगा फेल होने वाले, क्योंकि ये सर्कल से बाहर है। अगर सर्कल पास वालों का चल रहा है तो इन सर्कल के बाहर जो वैल्यू आएगी वो पास के अपोजिट फेल वाली आएगी। अगर ये ऊपर चाय कॉफी पीने वालों की है तो यहां आएगी ना तो जो चाय पीते ना कॉफी पीते, यानी ऊपर अगर हां वाले हैं तो नीचे ना वाले आएंगे, ऊपर अगर ना वाले हैं तो ये नीचे वाला परसेंट हां वाला होगा। ये 8% आया कैसे? क्योंकि 1, 2, 3 और ये 4, इन 4% को जोड़कर 100% बनना चाहिए, क्योंकि 7, 13, 80 और 12, 92% हो रहा था, इसलिए 8% और यहां आना चाहिए तभी जाकर 100% होगा। मुझे बताइए कि यहां पर आपको बात समझ में आई क्या? सेट वाला कॉन्सेप्ट लगाकर करे थे हमने तो सर इंटरसेक्शन यूनियन वाले, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर देखिए, आप है ना, अभी काफी सारे क्वेश्चन करना है, नया नया हो सकता है काफी कुछ के लिए, ज्यादातर क्या करते हैं इसमें शॉर्टकट जो होती है उसका यूज करते हैं, ठीक है? तो आप में से ज्यादातर उन्हीं का ही यूज करते होंगे, ठीक है? चलिए, अब चूंकि क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो हमारा आंसर 8% है। ये 8% ही तो फेल वाले होते जो दोनों विषयों में फेल हुए, ये तो कोई किसी एक में पास हुआ, दोनों में पास हुए, फिर ये इधर मैथ्स में पास हुआ, ये कौन है? ये पास वाले, तो ये फेल वाले, दोनों में फेल वाले, तो 8% हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं अगले प्रश्न में। देखो आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इनको अच्छे से करना है, क्योंकि हम एक जैसे क्वेश्चन को बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो है हमें टाइम लग जाएगा टॉपिक को खत्म करने में, ठीक है? इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जितनी आवश्यकता है रिपीट करने की क्वेश्चन की उतनी ही किए जाए, ठीक है? चलो, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र अंग्रेजी में और 80% छात्र गणित में क्या हुए हैं? पास हुए हैं, ठीक है? और 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ध्यान रखिएगा, देखो जरा, ये पास पास का हिसाब है और यहां दिया है 10% दोनों विषयों में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। ये फेल वालों का बोल रहा है, पिछली बार टोटल सभी जगह क्या था? सिर्फ पास का ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है? अगर आप देखें कि यदि 144 छात्र, यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं तो कुल छात्रों की जो संख्या हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सीखने में हमें टाइम लगेगा, हम सीख लेंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे पास यहां पर कौन कौन से हैं? अंग्रेजी और गणित के दो सर्कल हैं, एक व्हाइट वाला अंग्रेजी के लिए बना दिया हमने और ये जो ग्रीन वाला है ये हमने गणित के लिए बना दिया, ठीक है? चलिए, अब आप देखेंगे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि 70% छात्र अंग्रेजी में और 80% छात्र गणित में पास हुए, लेकिन जो दोनों वालों का केस है वो फेल वालों का है, ठीक है? क्योंकि आप यहां पर तीनों, अंग्रेजी दोनों और गणित, तीनों एक ही कैटेगरी में होना चाहिए, पास 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 या फेल फेल फेल। यहां पर समस्या क्या है कि यहां पर हमारे पास ऊपर तो जो पास वाले हैं फिर, लेकिन जो दोनों वाला है वो फेल वाला लिखा है, इसलिए आप इन तीनों को एक उसमें बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? आपको क्या करना है, क्योंकि 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं इसका मतलब 30% फेल हुए होंगे अंग्रेजी में, सही है? 80% छात्र गणित में पास हुए हैं इसका मतलब 20% गणित में फेल हुए हैं, क्योंकि ये भी फेल वाला नंबर है, ये भी फेल वाला नंबर है, और 10% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, क्योंकि ये फेल फेल वाले हैं तभी आप इधर बीच में फेल वाला लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पास पास वाले लिख दिए तो ये फेल वाला आप यहाँ नहीं लिखोगे, फिर इस फेल वाले को आपको इस बॉक्स के बाहर लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे आपको इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके और सामने आ जाएंगे, ठीक है? अब हमें पता है, इतना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, 30 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 20, और 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10, ठीक है? मन में एक बॉक्स खींच देंगे, ठीक है? और अब बॉक्स के बाहर क्या आएगा, क्योंकि ये फेल वाली कैटेगरी चल रही है
तो 20, 10, 30 और 10, 40, ये कितना हो रहा है 40%, टोटल 100% होता है ना, तो बचा हुआ 60% यहाँ आएगा, यानी ये फेल वाले हैं तो 60% विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं। पास कैसे हुए हैं, पूरी तरह से पास हुए हैं दोनों विषयों में, 60% छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 144 छात्र आपको दिखाई देंगे जो दोनों विषयों में पास होते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं 60% और क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं 144। हमें बताना है विद्या छात्रों की कुल संख्या, क्योंकि छात्रों की कुल संख्या कितनी होती है 100%, 60 बराबर 144 है तो 100% बराबर कितना आएगा, 144 से 60 बटे में जाएगा, 100 का हम गुणा करेंगे, ठीक है क्या, जीरो से जीरो जाएगा, 6 से ये भाई साहब जाएंगे 24 बार में, और 24 का 10 से गुणा करेंगे तो 240। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से नहीं आया होगा, थोड़ा सा कुछ 2-4% की गुंजाइश रही होगी, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। चले, नहीं आया मंजेश को, चले, और कोई उपाय नहीं है क्या सर जी? इसका उपाय यह है कि 2-3 क्वेश्चन हो जाए, इसके शॉर्टकट हैं, लेकिन शॉर्टकट अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें नहीं लगेंगे। मैं, आप जानते हो मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि जो भी क्वेश्चन सामने आए ना वो सोल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपना जो है मैथ्स की नॉलेज दिखाने के चक्कर में आपका नुकसान कर दूं, ठीक है। चले, अब देखो जिन्हें नहीं आया ना कुछ भी नहीं करना, विश्वास मानिए आपको ये आ गया, कैसे आ गया, अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब दो क्वेश्चन देख लिए ना, अगर ये ना आए ना आपको तब देना, क्योंकि अब आपने दो चीजों को देख लिया। किसी परीक्षा में 60% जो लड़के हैं वो गणित में पास हुए हैं, 65% जो लड़के हैं वो विज्ञान में पास हुए हैं। देखना ये किस किस के चल रहे हैं, ये पास पास वाले चल रहे हैं ना, सही है, और जबकि दोनों विषयों में कुल 30% फेल हुए, दोनों विषयों में कुल 30% फेल हो गए। यदि परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी बैठे थे तो कुल कितने विद्यार्थी पास होंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज यहां पर चेंज हो रही है। देखना आपको बस ये नोट करना है, 60% लड़के गणित में पास, 65% लड़के विज्ञान में पास, लेकिन जो दोनों की बात हो रही है वो इसके ऑपोजिट हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो पहले क्वेश्चन की तरह बहुत आसान है, लेकिन ऑपोजिट हो रही तो उसको कैसे करना है वो देखो। अगर आप देखें, हम यहां पर दो सर्कल बना देते हैं, ये हो गए हैं हमारे गणित वाला, ठीक है, और पहला वाला सर्कल, और दूसरा क्या है विज्ञान वाला, तो ग्रीन वाला मैंने बना दिया विज्ञान वाला, ठीक है, आप चाहे ऊपर लिख सकते हैं, लिखना चाहिए गणित और विज्ञान, ठीक है, एम और एस, ठीक है, पता नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। चले, अब देखो चूंकि जो दोनों विषयों वाले हैं वो फेल वाले हैं, दोनों विषयों वाले हैं वो फेल वाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पास वाले थे इनको चेंज करेंगे। 60% लड़के गणित में पास हुए हैं, इसका मतलब 40% गणित में फेल हुए होंगे। 65% लड़के विज्ञान में पास हुए हैं, इसका मतलब 35% विज्ञान में फेल हुए होंगे। क्योंकि ये फेल वाला है, अब हमें इजाजत है कि बीच वाला हम रख सकते हैं जो क्वेश्चन ने दिया है कि 30% दोनों में फेल हो गए। 40 में से 30 जाएगा तो 10% बचेगा, 35 में से 30 जाएगा तो 5% बचेगा, बोलो जरा, ठीक है। अब इतना प्रोसेस बना करने के बाद आप यहां एक बॉक्स खींचते हैं और इन तीन को जोड़ते हैं, 10, 30, 40 और 5, 45। 45 में कितना जोड़े, 100% हो जाए 55, तो ये 55% हो जाएगा। अब देखो जरा, क्योंकि आपने ऊपर ये फेल वाला बनाया था तो ये 55% है पास वाला, कैसे पढ़ोगे, केवल गणित में फेल होने वाले 10% है, दोनों विषयों में फेल होने वाले 30% है जो कि क्वेश्चन ने कहा है, और केवल 5% है जो विज्ञान में फेल हुए हैं, तो ये हमारी हमने निकाल लिया। और 55% चूंकि ये फेल वाला है तो 55% है जो दोनों में पास है, अगर ये पास वाला होता तो 55% होते दोनों में जो फेल होते, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन ने दिया है यदि परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी हैं, कुल का मतलब कितना होता है 100%, 100% बराबर आपको 600 दिया है, 100% बराबर कितना है 600, ठीक है, या ऐसा छोड़ो, अगर आप देखें क्वेश्चन ने क्या बोला है, कुल कितने विद्यार्थी पास होंगे, पास विद्यार्थी, ये हमें निकालना है। अब देखना ध्यान से, चूंकि आपके हिसाब से पास होने वाले विद्यार्थी 55% है ना, ये तो सब फेल वाले चल रहे हैं,
तो पास होने वाले विद्यार्थी 55% है। किसका 55%? कुल विद्यार्थियों का। तो कुल विद्यार्थी 600 है और 600 का हमें 55% निकालना है, और ऐसा करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी 330। चलिए अब आ गया है, ठीक है, ओके। सौरभ को अभी समस्या है, अगले क्वेश्चन में हम और आगे बढ़ते हैं। देखते जाइए क्वेश्चन को, एक जैसे रिपीट होते हैं तो चीजें समझ में आ जाती है ना। ये कलाकारी ऐसा नहीं है, पूरा चित्रकारी ऐसी करनी है, उस नंबर्स को आप अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए, है ना। चलो आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो आप ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस को मैं चेंज कर रहा हूं, क्या होता है कि कई सारे जो मेथड है क्वेश्चन को करने का तरीका है वो मेरा अलग है, ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को सभी को ऐसे सेट किया है कि मैं सारी जानकारी दे पाऊं आपको कम से कम क्वेश्चन में। अगर इस कॉन्सेप्ट की जगह कोई दूसरा कॉन्सेप्ट होता तो वो चीज आसानी समझ में जाती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ है। अब जिनने वेन डायग्राम से नहीं किया है तो जैसे क्वेश्चंस में जो वैल्यूज हैं वो बदलेंगी तो थोड़ा सा आप परेशान रहोगे, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है, इसलिए आपका फर्ज सिर्फ इतना बनता है कि जब ये क्वेश्चंस हो जाएं तो इनको एक बार आपको अच्छे से करना है। इनको करने का मतलब है आपने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। 80 विद्यार्थियों की एक क्लास में, 80 विद्यार्थियों की एक क्लास में 45%, देखो कुल विद्यार्थी कितने 80, जो कि परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज होता 100% होता, लेकिन संख्या दे दी है, ठीक है, 45% हिंदी बोलते हैं। देखो इसके आगे केवल शब्द नहीं लगा है, ठीक है, 45% हिंदी बोलते हैं, केवल शब्द नहीं लगा है, लेकिन यहां केवल शब्द लगा है, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो केवल शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 40% क्या लिखा है, केवल जो है आपके अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर हो तो बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो जरा हमने दो सर्कल ये बना दिए, ठीक है, हिंदी का और किसका, एक अंग्रेजी का, ठीक है। तो भाई साहब ये है आपका हिंदी का और ये है आपका अंग्रेजी का, ठीक है। अब आप देखिए कि 80 विद्यार्थियों की क्लास में 45% हिंदी बोलते हैं तो 45% क्या बोलते हैं, हिंदी, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। जब ये केवल शब्द आ जाए तो ये 40% ऊपर नहीं जाएगा, ये सर्कल के अंदर आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि यदि कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या, यदि कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषाओं बोलने वालों की संख्या के बराबर है, तो ध्यान से देखिए जरा, दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या की जगह यही है ना, माना कि दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या एक्स परसेंट है, तो फिर दोनों भाषा यानी कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या कहां आएगी, ये बाहर, यहां पर। बताइए एक बार ओके करिए कि ये समझ में आ गया क्या। इन लोकेशन को आप समझिए, ये है हिंदी बोलने वालों की संख्या, ये है दोनों बोलने वालों की संख्या, ये है केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, ये है इन दोनों में से कोई भी काम ना करने वालों की संख्या। यहाँ चाय कॉफी पीते हैं तो ये चाय कॉफी ना पीने वालों की, यहाँ गणित और मैथ्स में पास होते हैं तो ये पास ना होने वाली यानी फेल होने वालों की, ये फेल होते हैं तो ये, मतलब अपोजिट, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा यहां पर हमें क्या करना होता है कि बाहर वाली वैल्यू में से कॉमन वाली वैल्यू घटा देते, 45 में से एक जाएगा तो 45 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो पहले ही अंदर है तो इसलिए नहीं घटाएंगे। अब आपको पता है ये बात कि इसको 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 तीन ही हो गई और चौथी है, इन चार पोजीशन के नंबर को जोड़कर 100% आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 45 माइनस एक्स और एक्स कितना होगा, 45 ही होगा ना ये तो, क्योंकि माइनस एक्स प्लस का एक्स कट जाएगा, फिर क्या जोड़ोगे 40, फिर क्या जोड़ोगे x, ऐसा करके इन तीन चारों नंबर्स को हमने जोड़ दिया तो ये रिजल्ट मिलेगा और हमें पता है इसको जोड़कर 100% आना चाहिए। इसका मतलब है कि x का मतलब कितना है, 45 और 40 85, 85 100 में से घटेगा तो 15%, यानी कि x का मतलब है हमारा 15%।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वालों का यही है ना परसेंटेज, केवल हिंदी बोलने वालों का जो परसेंटेज है वो यही है ना 45-x, तो केवल हिंदी तो केवल हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज ये है 45-x, तो भैया x बराबर 15 है तो 45-x कितना बनेगा 30%, यस या नो, 45 और x की जगह 15 को 30%, क्योंकि ये हमें संख्या में बताना है परसेंटेज में नहीं बताना, इसलिए हम यहां पर कुल संख्या कितनी थी 80 थे विद्यार्थी, और 80 विद्यार्थियों का 30% निकालना है, और इस तरह से 24 जो है इसका आंसर बनेगा। तो 24 आंसर है सौरभ, डी नहीं है, बताइए ऊपर से गया ये भी, चलिए होशियार हो सब, आगे समझिए ठीक है। इसमें मैंने सारे जो भी चेंजेस हो सकते हैं ना वो मैंने सेट कर रखे हैं इसमें, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए समीम से एक मजा आ गया गुरुजी, बिल्कुल शॉर्टकट से करोगे ना तो आपको क्या करते हैं जो शॉर्टकट बताते हैं ना, कभी भी ध्यान रखिएगा, उन्हें क्या होता है हमेशा जो शॉर्टकट बताता है ना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उससे उसका रियल कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है। तो जब रियल कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तब हम कहते हैं शॉर्टकट से काम चलाना, फिर वहां पर इस तरह की बातें हम कह देते हैं कि जो है मे बी कई सारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं पता होगा, ठीक है, आगे मिलेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन से शायद। तो कॉन्सेप्ट पावर होती, जब हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तब हम शॉर्टकट कहते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट आज नहीं तो कल दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन में आपका साथ दे सकती, लेकिन हर क्वेश्चन में साथ नहीं देता शॉर्टकट, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करता है। हो सकता है मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप पहले से कुछ आपने शॉर्टकट याद रखा है तो इनमें से कुछ क्वेश्चन में आपका वो शॉर्टकट काम करेगा और कुछ में वो नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमें भैया थोड़ा सा 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड समय चला जाए लेकिन हमारे जो अंक हैं मार्क्स हैं वो नहीं जाने चाहिए, ठीक है, और मैं जो पढ़ाता हूं उसमें हम समय को भी बचाने का प्रयास हमेशा करते हैं ना। चलिए, एक शहर में 42% लोग चाय पसंद करते हैं, एक शहर में 42% लोग चाय पसंद करते हैं और 47% लोग कॉफी पसंद करते हैं, चाय और कॉफी वाले हैं, ठीक है, और 15% लोग कौन है जो चाय कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये होता कि 15% लोग ना तो चाय पसंद करते ना कॉफी पसंद करते तो ये उसी तरह से क्वेश्चन होता जैसे ऊपर पास पास वाले दे दिए और नीचे फेल वाला दे दिया, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, ये और ये तीनों ही क्या है, एक जैसे है, ठीक है, तो हमें मुश्किल ये आसान रहेगा, हमें ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं। तो भैया ये रहा चाय वाला और ये रहा सर्कल कॉफी वाला, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 42% लोग चाय पीते हैं, भाइट वाला चाय वाला है, आप लिख भी सकते हैं यहां, टी लिख देता हूं टी, और 47% लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो 47% लोग हैं वो क्या करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं, 15% लोग चाय व कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो दोनों पसंद करते हैं, ये हां चल रहा है ना, हां हां तो हां, तो इसमें कोई अपोजिट नहीं, तो इसलिए यही आ जाएगा। और फिर हमें पता है कि हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, सीख जाएंगे तो ये कलाकारी की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां कौन आएगा जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं, पहले इसका हिसाब किताब करते हैं, 42 और 15%, ठीक है, 42 में से आपका 15% जाएगा तो 27% बचेगा, 27 लिखा है ये, एक सेकेंड, ये कितना बचेगा 27%, और 47 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा 32%, इतना तो अब आपको रट गया होगा, ठीक है। आपको पता है ये पोजीशन और ये पोजीशन और इसके बाद ये पोजीशन, इन चारों को मिलाकर आपका 100% बनना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब ये 42% तो ये है ही, यहीं से दिख जाए, इन दोनों को जोड़ोगे 42 ही आएगा ना, क्योंकि उसमें से तो घटा के आया ये, तो इन दोनों को जोड़ोगे 42%, 42 और 30 72 और 2 74%, इन दो तीनों को जोड़ोगे तो 74% है, यानी यहां 26% होगा, तब जाके ये चारों मिलाकर 100% बनेंगे, ठीक है, 100% बनेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे
अब आप यहां पर देखेंगे आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7800 लोग हैं जो ना तो चाय और ना ही कॉफी पसंद करते हैं, तो केवल चाय पीने वालों की संख्या हमें बताना है। तो देखो भैया, हमारे हिसाब से जो ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते वो कितने हैं, 26% लोग। ये 26% ही तो है, ना तो चाय पीने वाले ना कॉफी पीने वाले। तो 26% बराबर वो कह रहा है 7800। आपको बताना क्या है, केवल चाय पीने वाले। तो केवल चाय पीने वाले ही है ना 27%। बोलो, ये केवल चाय वाले, ये केवल कॉफी वाले, ये दोनों वाले। तो 26% बराबर 7800 है, तो 27% बराबर कितना हुआ। अगर आप देखें कि 26 की 78 होता है और दो जीरो ये है, यानी 26 में 300 से गुणा करा तो 7800 आया, तो 27 में भी 300 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8100, यानी 8100 इसका आंसर बनेगा। तो बिल्कुल पिंटू जात, विकास, मंजेश, चमन, सभी के 8100 आंसर आ गए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चले ओके, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 180 लोगों में से 180 लोगों में से 80 लोग कॉफी पीते हैं, 90 लोग चाय पीते हैं, और 30% लोग ऐसे हैं, देखो जरा, 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर अब परसेंटेज में नहीं चल रहा है, कुछ एक आध परसेंट दी है और ज्यादातर हमें नंबर्स दिख रहे हैं। देखो 180 लोग हैं, परसेंट नहीं है, 80 लोग हैं, 80% नहीं है, 90 लोग हैं, ये 90 लोग, टोटल लोग ही 90 है, 90% की बात नहीं कर रहा है। तो यानी यहां पर हमें संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम संख्या से ही इसको सॉल्व करेंगे। जैसा वो कह रहा है वैसा ही क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिए। तो भैया जो पहला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुल लोग 180 हैं और 80 लोग कॉफी पीते हैं, पहला सर्कल है ये कॉफी वाला और दूसरा सर्कल है चाय वाला, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, एक सेकंड देखना, सीओटी लिखा दिख रहा है आपको ऊपर, नहीं दिख रहा। चल तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास दो जो है ये सर्कल है, ठीक है। तो ये कॉफी वाला सर्कल है पहला और ये चाय वाला सर्कल है। अगर आप देखें तो 180 लोगों में से 80 लोग कॉफी पीते हैं, तो कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, 80, और 90 लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अगर आप यहां पर इस सर्कल को, इन दोनों सर्कल को यहां पर बंद कर दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 30% लोग ऐसे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते। तो मुझे बताओ, बस ये सी नो में जवाब दे देना मुझे, क्या मुझे यहां ये 30% लिखना चाहिए या नहीं, हाँ या ना, बस इतना बता दो जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको उस बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बोलो जल्दी, हाँ नहीं, जल्दी बोलो। मैंने क्या बोला, क्या मुझे 30% यहां लिखना चाहिए। देखो यहां 30% आप नहीं लिख सकते, इसका पहला कारण क्या है, पहला कारण यह है कि ये संख्याओं में चल रहे हैं सर्कल आपके, तो आप यहां पे कोई भी वैल्यू ऐसी जो परसेंटेज में वो नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने संख्याओं में लिया है, तो फिर यहां भी आपको सारे नंबर संख्याओं में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, ये संख्याओं में चल रहे हैं तो यहां भी क्या होना चाहिए, संख्याओं में चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है यहां पर, कि इसमें बात चल रही है नहीं वाली, कि जो दोनों में से कुछ नहीं पीते, यानी ये नहीं वाली बात है, और ये ऊपर क्या है, हां वाली, ये कॉफी पीता है, ये चाय पीता है, और बात चल रही है नहीं वाली। तो 30% लोग वो हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते, तो वैसे 30% की जगह यहां होना चाहिए, क्योंकि नहीं वाला, ये सर्कल हां वाले हैं तो ये सर्कल के बाहर नहीं वाला होता है, लेकिन तब भी आप चूंकि ये संख्याओं में चल रहे हैं इसलिए आप यहां परसेंटेज जो है वो नहीं लिख सकते हो। आप यहां पर क्या करेंगे कि चूंकि 180 लोग हैं और उसमें से 30% लोग हैं
जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते, ना तो कॉफी ना चाय, यानी 180 का 30% निकालोगे, यानी कि कुल कितने 18 + 54 यानी 54 लोग होंगे जो ना तो कॉफी पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं, बताइए जरा। ठीक है, तो आपको यहां पर लोग लिखने हैं। अब आपको प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमें बताना क्या है, केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत। तो केवल कॉफी पीने वालों की जगह तो यहां होना चाहिए, सही है ना। तो अब वो कैसे निकालें, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, माना कॉफी और चाय दोनों पीने वाले हैं एक्स, इस कारण से यहां पर वैल्यू आएगी 80 - x और ये हो जाएगी 90 - x। बोलो, इधर के नंबर में से ये घटाती है ना, सही है। ठीक है, अब आप देखो जरा, केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत हमें बताना है। हालांकि आप ये भी कर सकते थे कि परसेंटेज निकाल सकते थे, ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से, 80 आप क्या करोगे, इसको 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 और इसको, इन चार पोजीशन को जोड़ते हो तो आपके पास कुल लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जोड़ोगे 80 - x और 80 कितना, 80, और 90 - x और प्लस का 54, ये चारों हमने जोड़ दिए। और ऐसा करके, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं चल रहा, ये संख्या चल रही है, इसलिए बराबर में 100% की बजाय कुल संख्या कितनी है 180, वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखो 80 और 90 170 और 54 जो है 224 होगा, ये 224 होगा, 180 वहां से इधर आएगा, 224 में से घटेगा तो 44 बचेगा, तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 44। x बराबर 44 आएगा तो केवल कॉफी वालों की संख्या कितनी आएगी, केवल जो कॉफी वाले हैं उनकी संख्या कितनी मिलेगी आपको। इसको क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, परसेंटेज में लिख सकते हो, ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट देख लो। 80 में से x जाएगा यानी 80 में से 44 जाएगा, तो केवल कॉफी वाले कितने निकल कर आएंगे, 36, और इसको हमें प्रतिशत में बताना है, क्योंकि 36 लोग हैं और कुल लोग कितने हैं 180, तो 36 - 180 का कितना परसेंट है, यानी कि 20%। ये शायद आपका जो शॉर्टकट से आप करोगे उसमें आसान बनेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके कंपैरिजन में आपको इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सौरभ आप एक बार और देखिएगा, है ना, इसको क्वेश्चन को अच्छे से। ओके है, ठीक है, इन चारों को जोड़ते हैं हम तो आपके पास कुल लोग आते हैं। अगर ये परसेंटेज में चल रहा है तो फिर बराबर में 100% लिखोगे, लेकिन चूंकि ये संख्याएं हैं परसेंटेज नहीं है, इसलिए आप बराबर में कुल लोग एक्चुअल में कितने हैं वो लिखोगे। ठीक है, चलो ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, किसी परीक्षा में 40% हिंदी में पास होते हैं और अंग्रेजी में 55% छात्र पास होते हैं। हिंदी में 40% पास हो रहे हैं और अंग्रेजी में आपके 55% पास हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा, बातें वही रिपीट हो रही हैं सेम, बस यहां पे क्वेश्चन की जानकारी आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा दो सर्कल बनाओ और उसकी जो वैल्यूज है उसको क्वेश्चन में उठा के भरो, जो नहीं पता उसको एक्स मान लो। तो किसी परीक्षा में 40% हिंदी में पास होते हैं, 55% अंग्रेजी में पास होते हैं और यह ज्ञात है, क्या ज्ञात है, क्योंकि ये पास वाली बात चल रही, यह ज्ञात है कि दोनों विषय में जो फेल होने वाले छात्रों की संख्या है, दोनों में जो फेल होने वाले हैं, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। अब देखो जरा, हमने ये एक सर्कल बनाया, ये एक और सर्कल बनाया, ठीक है, आप देखेंगे कि 40% हिंदी में पास हो रहा है, ये हिंदी का सर्कल है, ये अंग्रेजी का सर्कल है, चाय कॉफी कुछ भी यहां पे आ सकता है। 40% हिंदी में पास होते हैं, केवल शब्द नहीं है इसलिए ये 40% बाहर लिखा जाएगा। 55% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, केवल शब्द नहीं है इसलिए ये बाहर लिखा जाएगा। अब इसके अलावा हमें कोई और परसेंटेज नहीं दी है, बस एक जानकारी दी है कि यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए, आगे की जानकारी आपको खुद जुटाना है। देखिए जरा, क्योंकि ये पास वाले चल रहे हैं ना,
माना दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं एक्स। क्वेश्चन कह रहा है दोनों विषयों में जो फेल होने वाले छात्र है ना उनकी संख्या दोनों विषयों में पास होने वालों की डबल है, दुगनी है। दोनों विषयों में पास होने वाले एक्स माने तो दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे इसका डबल। अब क्या करते हैं 40 में से एक्स जाएगा तो 40 माइनस एक्स, 55 में से एक्स जाएगा तो 55 माइनस एक्स। ये सब परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है, ये ऊपर परसेंट है ना तो ये सब भी परसेंटेज में आएगा। अब आपको पता है इसको 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 और इसको जोड़ दें तो आपके पास कुल छात्र जाते हैं, और चूंकि ये परसेंटेज में चल रहा है तो कुल छात्र कितने होंगे 100%। 40 माइनस एक्स और एक्स को जोड़ोगे तो 40 बनेगा, ये 55 माइनस एक्स है, 55 माइनस एक्स है और ये आपका 2x है, इनको जोड़ोगे और बराबर में कितना आएगा 100%, ठीक है 100% है ये, ठीक है। अब आप देखेंगे कि x में से 2x जाएगा तो x बचेगा ना, 2x में से x जाएगा x बचेगा, 40 और 55 95 होता है, 95 वहां जाएगा, 100% में से घटेगा तो 5% बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 5%, यानी कि दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं 5%, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ दोनों विषयों में जो फेल होने वाले हैं, दोनों विषयों में जो फेल होने वाले कितने होंगे, x का मतलब 5% है तो 2x का मतलब कितना होगा 10%, दोनों विषयों में जो फेल होने वाले हैं वो कितने निकल कर आए 10%, ठीक है क्या, दोनों विषयों में जो फेल होने वाले हैं 10% आए। आप देखेंगे क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों विषयों में फेल होने वाले 16 छात्र हैं, तो अगर आप देखें कि 10% हमारे हिसाब से फेल हुए दोनों विषयों में, क्वेश्चन कह रहा है 10% का मतलब 16 है, हमें बताना है कितने छात्रों ने परीक्षा दी, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या यानी क्या 100% की वैल्यू निकालना है, 10% बराबर 16 तो 100% बराबर 160। बोलो भाई आज मजा नहीं आया आप लोगों को, चले आया है मजा, ठीक कल मैं आपसे बात कर लूंगा है ना। चलिए आ गया वैसे ज्यादातर को समझ में, आप देख लीजिएगा कल की क्लास में हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, फिर जो शॉर्टकट है वैसा बता दूंगा मैं, है ना, ऐसी कोई दिक्कत रही तो विशेष। चल बढ़ जाए आगे, आप एक चीज ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना इन इन क्वेश्चंस में न जाने कौन कौन से तरीके लगाते, जबकि मैं ये इसका एक वैसा तरीका है जो बेसिक है लेकिन इससे आपके हर प्रश्न हल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स मौजूद हैं। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है चलो। अब भाई साहब समस्या है सौरभ, ओ सौरभ, सौरभ भैया अब थोड़ा सा समस्या आने वाली है, सब सोल्व हो जाएंगे। चले अब ये आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा परेशानी वाला होगा, ठीक है देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में इसको करा रहा हूं, परेशानी वाला इसलिए है एक सोसाइटी में कुल कितने लोग रहते हैं 500 लोग रहते हैं, कुल कितने लोग रहते हैं 500 लोग, 45% क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कितने हैं 45%, 29% लोग क्या करते हैं हॉकी खेलते हैं, 48% क्या करते हैं बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। समस्या यह है, समस्या यह है कि अब आ गए हैं तीन टर्म्स, ठीक है, क्रिकेट हॉकी और बैडमिंटन, ठीक है क्रिकेट हॉकी और बैडमिंटन तीन टर्म आ गए, यानी कि यहां समस्या वाली जो बात है वो ये है कि यहां बनेंगे आपके तीन सर्कल, और इसलिए आपको जो है इसको ध्यान से देखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को, ठीक है। देखो अगर आप देखें ना इस समझ में तो छोड़ देना, 45% क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं, ये जो व्हाइट वाला सर्कल है पहला वाला ये है क्रिकेट का, ठीक है हम इसके इधर लिख भी देते हैं कि ये क्रिकेट का है, ठीक है चले 45% लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है मैं लिख देता हूं यार एक सेकेंड, चलो तो ये जो है ये जो सर्कल बनाया है ना ये है किसका क्रिकेट का, ठीक है दिख रहा है आपको, सी
एक सेकंड में देख लू आपको दिख रहा है क्या, ठीक है वो पहला वाला क्रिकेट का है, ठीक है नहीं दिख रहा आपको, पर ठीक है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 29% लोग हॉकी खेलते हैं, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ना ये किसका है, हॉकी वालों का, और ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये किसका है, बैडमिंटन वालों का, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, बैडमिंटन वालों का, ठीक है। अब देखो जरा, एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 45% लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है 45%, क्रिकेट खेलने वालों की जो संख्या है वो है कितनी, 45%, ठीक है चले, तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है 45% और 29% हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलने वालों की जो संख्या है वो है 29%, ये है हॉकी वाले, ठीक है 29% हॉकी खेलते हैं, और 48% लोग क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ये जो ब्लू वाला सर्कल है ये किसका है, बैडमिंटन का, 48% लोग क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है नीचे जगह कम है, ठीक है इतना लिख लोगे। अब आप देखिए जरा, क्योंकि रीजनिंग में आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, अगर चूंकि ये हां वाली बात चल रही ना, खेलने वालों की बात चल रही ना, तो नहीं खेलने वालों के लिए जो बॉक्स आएगा वो कहां आएगा, यहां 18% लोग हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो नहीं वाले कहां आते हैं, यहां पर 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते, ठीक है नहीं वाले यही आएंगे ना, क्योंकि ये खेलने, ये कह रहे हैं खेलते हैं, और आप कह रहे हो नहीं खेलने वाला, तो वो बाहर पहुंचेगा। ठीक है अब देखो जरा ध्यान से, ये हो गया 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है तभी समझ में आ पाएगा, 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। देखो तीनों के लिए रीजनिंग के हिसाब से क्या है, जैसे किसान व्यापारी ऐसे आप करते हो ना वेन डायग्राम फॉर, तो तीनों के लिए जगह यही है ना, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब देते रहिए मुझे, 5% लोग तीनों खेलते हैं, देखो तो ये क्रिकेट वाला व्हाइट है, येलो वाला हॉकी है, और ब्लू वाला बैडमिंटन है, तो ये तीनों के बीच की जगह ही 5% यहां आएगा, ठीक है बस हाँ या ना में मुझे जवाब देते रहिएगा, है ना चले, तो 5% लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। यदि 6% लोग, आगे की लाइन क्या कह रही है, आगे की लाइन कह रही है 6% लोग, 6% लोग क्या करते हैं, दोनों खेल खेलते हैं, देखो जरा एक सेकेंड, छह परसेंट लोग हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, चलिए तो देखो जरा, अब आप यहां देखिए 6% लोग क्या करते हैं, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। अब मुझे बताओ क्रिकेट और हॉकी के लिए जगह कहां है, हॉकी वाला येलो है, क्रिकेट वाला व्हाइट है, तो जो येलो और व्हाइट लाइन के बीच में आ रहा होगा यही जगह क्रिकेट और हॉकी को बताइए, लेकिन 5% तो पहले ही घिर चुका है उसी जगह पर, इसलिए टोटल 6% बनाने के लिए बाकी बची जगह पर 1% आएगा या नहीं, हाँ या ना में जल्दी जवाब दीजिए अगला, 1% समझ में आया, हाँ या ना, क्योंकि क्रिकेट और हॉकी वाले 6% है, तो ये येलो लाइन और व्हाइट लाइन क्रिकेट और हॉकी वाला एरिया है, चलिए ये आ गया समझ में। आगे है 27% लोग हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, मुझे बताओ क्रिकेट और बैडमिंटन की लाइन कौन सी है, क्रिकेट की है व्हाइट और बैडमिंटन की है ब्लू, यानी कि ये ब्लू लाइन और ये जो व्हाइट लाइन है इसके बीच का ये जो पूरा एरिया है ये है क्रिकेट और बैडमिंटन का कॉमन, क्योंकि इसकी जानकारी वो 27% दे रहा है, इसलिए यहां पर 22% बचेगा, क्योंकि 5% ये ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है बताओ जरा सौरभ या बाकी सभी के ये 22% समझ में आ गया क्या आपको, बोलो ठीक है। आगे की जानकारी में कुछ भी नहीं है, जो भी जानकारी थी वो सारी हमने भर ली है, हमसे पूछा है कि सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या है, तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो कॉमन एरिया है इसको हम एक्स परसेंट मान लेते हैं, इस कॉमन एरिया को हम एक्स परसेंट मान लेते हैं, तो देखो जरा अब आप आ जाएंगे बिल्कुल बेसिक जो पहले कर रहे थे, 45% क्रिकेट खेलते हैं, अगर 45 में से इस सर्कल के जो कॉमन रीजन है यानी 22, 5, 27 और एक 28% में घटा दूं, 45 में से ये 22, 5, 27 और एक 28 घटा दूं, तो ये 17% होगा केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, 27% होगा केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, यानी इस क्वेश्चन में अगर ये होता
जो कि बहुत संभावना है ऐसा आने की, कि केवल क्रिकेट खेलने वालों का प्रतिशत बताओ, तो क्या आप सभी 17% उत्तर दे देते येस या नो? क्या आप सभी 17% उत्तर दे देते केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या येस या नो? जल्दी बताओ मंजेश, सौरव, बिल्कुल दे देते, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमने ऐसा रखा है कि हम सारी जानकारी ले पाए, इस तरह का क्वेश्चन पूछने की संभावना भी है, ठीक है। अब हमें हॉकी वाले का निकालना है, तो देखो हॉकी वाले का ये जो येलो सर्कल है ना 29% का है, लेकिन 5 और 1 6 और x 6 + x आपको 29 में से घटाना है, तो पहले 29 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा 23, और फिर x घटाओगे तो ये आएगा 23 - x, ठीक है। अब आपको केवल बैडमिंटन वालों का परसेंटेज बताना है, केवल बैडमिंटन वालों का परसेंटेज बताना है, तो देखना केवल बैडमिंटन वालों का परसेंटेज कैसे आएगा। ये टोटल 48% है, ब्लू सर्कल देखो, ब्लू सर्कल के अंदर क्या क्या दिख रहा है, 22, 5, 27 और x। अब 48 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 48 में से जो है 21 बचेगा, सही है ना, 48 में 27 जाएगा 21 बचता ना, और फिर x घटाना है तो ये कितना आएगा 21 - x%। यानी कि अगर आपने 21 - x% की वैल्यू आपको पता होती तो आप क्या करते, कुल लोग 500 है ना, 500 का 21 - x% आप निकाल देते और केवल बैडमिंटन वालों की संख्या आ जाती। यस या नो बोलो जरा, यस या नो, ठीक है। चलिए अब जब तीन की बात आती है, जब तीन सर्कल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, जब कंडीशन तीन वाली हो। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन है उस मैंने ऐसा क्वेश्चन रख दिया कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए तीन की, इससे पहले ही वो आंसर आ चुका होगा आपका, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा। अब देखना ध्यान से, तीन वाले होते हैं तो ये 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 और ये, इन सभी पोजीशन को जोड़कर 100% बनता है। पिछली बार जब दो वाले थे तो केवल 4 में ही बन रहा था, लेकिन तीन वाले होंगे कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीन वाले होंगे तो 8 पोजीशंस को आपको जोड़ना होगा, क्योंकि 8 में से ये जो 4 है ये जो भाइट वाली है तो सीधी जुड़ जाती है, क्योंकि ये 45% ऊपर लिखा है, ठीक है 45%। फिर आप इसको जोड़ दीजिए 23 - x, देखो ये भाइट वाला तो पूरा कितना 45 ऊपर है ना, तो इनको अलग अलग नहीं जोड़ना, अब आपको केवल ये 4 जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, तो 23 - x में x जोड़ोगे तो 23 ही आएगा, सही है ना, तो ये दोनों जुड़ गए, और अब कितना है 21 - x, सही है, अब कितना है 21 - x और 21 - x और ये 18% और जोड़ना है, और यहां पर 21 - एक सेकेंड रुक जाओ, तो ये हो गया हमारा कितना 45%, और ये 45 हो गया पूरा, ये 23 - x में x जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा आपका 23%, और ये 21 - x, और आखिर में हमें जोड़ना है ये 18%, ये 18% जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, ठीक है आखिर में जोड़ोगे 18%, तो ऐसा करके आपके पास जो कुल है 100% ये बन जाएगा, जब आखिर में आप इस 18% को जोड़ दोगे तो आपको 100% बन जाएगा। मुझे बताइए, आप ना इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से कि ये सारे नंबर्स आए कैसे, ठीक है, तब तक मैं इसको थोड़ा बना देता हूं। बताओ एक बार क्या बताना है ये बता दो आप, तो क्योंकि अब खत्म हो गया क्वेश्चन, नीचे वाले में दिक्कत लग रही, चलो नीचे वाले में दिक्कत लग रही, देखो जरा आपको क्या करना है, 17, 1, 5, 22 इनको जोड़ना है, लेकिन ये इसको जोड़ने की आवश्यकता तो थोड़ी, ये तो सीधा बता रहा है ना कि ये पूरा सर्कल 45% का है, व्हाइट सर्कल के अंदर सारी वैल्यूज को जोड़ दोगे तो 45% की है, लेकिन यहां 29 नहीं ले सकते क्योंकि इनको तो आप ऑलरेडी जोड़ चुके हो, एक और दो इनको तो जोड़ चुके हो ना, एक और दो इनको, तो आप क्या करोगे, एक सर्कल को तो आपने पूरा जोड़ दिया 45, लेकिन अब इस सर्कल की ये 4 वैल्यू जुड़ चुकी है, 1, 2, 3, 4, यानी ये 45%, अब ये 4 जुड़ गई ना, अब क्या क्या बच रही है आपके पास, 1, 2, 3, 4, कौन कौन सी देखो, 1, 2, 3, 4, सही है, अब 23 - x और x जोड़ेगा तो प्लस का x माइनस का x कट जाएगा तो 23 अकेला बचेगा, तो ये दो भी जुड़ गई, अब कौन कौन सी बच रही है, ये दोनों बच रही है, तो 21 - x ये लिख दिया, 18 ये लिख दिया, बराबर 100% आ गया, चलिए आ गया, ठीक है, बैडमिंटन जोड़ो सही से, अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए अभी क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, बोलो ओके है, ठीक है। अब देखो
23 और 21 कितना होगा हमारा, 23 और 21 होगा हमारा कितना 44, सही है, 23 और 21 44, ठीक है। और जो है हम जो है 44 और 18, 44 और 45 कितना होगा 89, 89 और 18 होगा 107। जब आप इन नंबर्स को जोड़ोगे तो 107 आएगा, 107 यहां है, ये माइनस का x बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, ये माइनस का x बराबर के उस तरफ ले जाते हैं और ये 100 107 में से घटेगा, यानी ये ऐसी कंडीशन बनेगी, सही है क्या। तो ऐसा करके हमारे पास जो x बराबर है वो आएगा कितना 7%, ऐसा करके जो x बराबर है वो आ जाएगा कितना 7%। तो मैं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हूं है ना इस क्वेश्चन के कारण। चलिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7%, ठीक है। तो x बराबर 7% आ गया है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्योंकि आपको निकालना है केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या, तो आप यहां पर क्वेश्चन को आगे सोल्व करोगे। केवल बैडमिंटन कितने हैं, 21 माइनस एक्स, तो केवल बैडमिंटन जो हैं, केवल बैडमिंटन वाले कितने हैं, तो केवल बैडमिंटन वाले हैं 21 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स यानी कितना 14%। बोलो जरा क्यों, क्योंकि एक्स बराबर 7 है, 21 में 7 जाएगा तो 14%, और ये हमें बताना है किसमें, संख्या में, संख्या परसेंट में होता 14% आंसर था। संख्या के लिए क्या करोगे, कुल लोग कितने हैं सोसाइटी में, 500 लोग, 500 का 14%, 500 का 14% यानी 14×5=70 इसका आंसर है। चलिए